अरे भाई आते होंगे, बड़ा गिफ्ट लेने में टाइम भी तो लगता है ना, और फिर उसके बाद में बड़े गिफ्ट को अच्छे से पैक कराना है, तो जब तक पापा आते हैं हम सब पता है क्या करेंगे, हम लोग खेलेंगे म्यूजिकल चेस। चलो चलो मुझसे हो नहीं पाएगा, मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी, चीनू के बिना मैं अकेली हो जाऊंगी यार। अजीब सा फील हो रहा है मुझे, अक्कू तू हमारी क्रांतिकारी क्वीन है, तू ही हौसला खो देगी तो कैसे चलेगा। हाँ देख देख, हर औरत तुझे देखकर तुझसे हिम्मत लेती है, तू अपना हौसला नहीं तोड़ सकती। जिंदगी ने एक झटका दिया और तू ऐसे डर गई। आगे चलकर जिंदगी में और इतने सारे मोड़ आएंगे और हर मोड़ पर जिंदगी बार 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 अपना गियर बदलेगी, तू डरेगी? पर माया, नहीं पर वर कुछ नहीं, हौसला रख, मेरी बात मान, चिनू वापस आएगा। देखो कितना प्यार करता है अनिकेत और तुझसे यार, मुझे लगता है वो रह सकता है उनके बिना। अरे पर इस बार मैंने हर लिमिट, हर हद मैंने क्रॉस कर दिया। तो कौन से लिमिट की बात कर रही है? हाँ लिमिट हम ही सेट करते हैं, अक्कू तो हमारी लिमिटलेस क्वीन है, तू ऐसे कैसे बात कर सकती है? अरे फैमिली और फ्रेंड्स होते ही तो है इसके लिए कि हम अपने नियर एंड डियर वंस के गुड क्वालिटीज पर फोकस करें और बैड क्वालिटीज को इग्नोर करें। अब बस यार प्लीज, ये मीना कुमारी मोड से बाहर निकल और थोड़ा स्माइल करना, चल देना। अरे अच्छी स्माइल दे दो। अरे हेलो, हाँ चैतन्य भाई। हाँ देव, कहाँ है तू? मैं तेरे घर पे, मुझे लगा ही था तू वहां पर होगा। अच्छा सुन, मैं अपने घर के सामने वाले गार्डन के शेड में खड़ा हुआ यार, तू अनिकेत को लेकर आएगा थोड़ी देर के लिए प्लीज? अरे तू गार्डन में क्या कर रहा है, आ जा ना घर, आ जा। नहीं घर नहीं आ सकता, तू उसको बाहर ही ले आ यार, मैं बाहर मिल लूंगा। और सुन, वहां किसी को बोलना मत प्लीज। अनिकेत को लेकर आऊं? ठीक है ले आता हूं मैं उसे। थैंक्स। क्या कह रहे? एक्चुअली वो बाहर गार्डन में, वो कह रहा है कि अनिकेत को एक बार ले आऊं, तो मैं अनिकेत को मिलवा के ले आता हूं। अनिकेत, अनिकेत देखा वो नहीं आएगा, तुम लोग मुझे दिलासा दे रहे थे ना, तुम लोगों ने नहीं देखा उसका चेहरा, मैंने देखा है, उसे बहुत बुरा लगा। He's deeply hurt. देख अक्कू, जितना मैं मेन साइकोलॉजी को समझती हूँ ना, उस हिसाब से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चैतन्य बहुत ही ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल है। पहले ही वो अपने अर्निंग्स को लेके इतना ज़्यादा इनसिक्योर था, उसके बाद तेरे मुंह से डिवोर्स की बात निकल गई, उसे ऐसा लग रहा है कि सडनली उसके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है और उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा है। चैतन्य इज अ राइटर, राइटर्स तो होते ही है थिंकिंग पर्सन, हर चीज़ को वो ओवर थिंक करते हैं, जब भी लाइफ में कोई टेंशन होती है तो लोगों से अपने आप को दूर रखते हैं, अलूफ रखते हैं। हो सकता है चैतन्य भी यही कर रहा हो, घर से दूर रह के दोबारा से चीजों को थिंक ओवर करने की कोशिश कर रहा हो। अक्कू चैतन्य इज अ वेरी लविंग हस्बैंड, तू बस चीजों को उसके पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कर, उसकी फैमिली ही उसका सबसे बड़ा सपोर्ट है, सबसे बड़ा पिलर है, तुम लोगों के बिना तो वो अपनी लाइफ को क्लियरली देख भी नहीं पाएगा, तू बस उसको थोड़ा टाइम दे, थोड़ा स्पेस दे। And then देखना, things will definitely fall in place. हाँ, मैं कुछ वैसा ही करने की कोशिश कर रही हूँ, और जो भी हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है। You are right. मुझे उसके point of view से सोचना चाहिए था। मैं हमेशा से अपनी job life को लेकर, job image को लेकर इतना ज़्यादा conscious थी, और फायदा क्या हुआ? Zero. उधर नॉवेल पढ़ने वाले पढ़ भी रहे, फिल्म बनाने वाले बना भी रहे, और मेरा पर्सनल लाइफ खत्म हो गया।
इसीलिए तो मैं कहती हूँ लोगों को करने दे जो वो करना चाहते हैं। अगर तू उनकी बात को इतना गौर करेगी ना तो उनकी नेगेटिविटी तेरे लाइफ को और भी ज्यादा खराब करेगी। यार ये कभी सरोजनी कभी रोहिणी, ये करिश्मा तलवार कहीं पे भी बुला लेती है। टीटी तू कौन सा जीके टू एम ब्लॉक के बाहर कभी निकलती है? अभी हमारे साथ है ना तो चिल कर। और तुम सब जरा अपनी आंखें खुली रखना। हाँ आई एम श्योर ये केटी यहीं कहीं होगी। हाँ जैसे उस दिन बार में शराब पिलाने आ गई थी ऐसे यहाँ पे कॉफी लेके आ जाएगी। हाँ और आते ही मुंह फाड़ के ऐसे की यार कुछ केस के बारे में तो करनी रे। अरे ऐसी बात नहीं है लेकिन हाँ बाय गॉड ये दोनों कलाकार हैं, हमारी टीटी और तेरी नई वाली केटी। अरे 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 आराम से यहाँ कर रहे हो मैडम, साफ है, क्लीन है, आप क्या कर रहे हो? अरे गॉड इश करिश्मा यार आप कुछ काम भी करते हो या सिर्फ फैंसी ड्रेस खेलते रहते हो? उस दिन आपने मेरा रोमांटिक डेट भी खराब कर दिया और फिर मिसेस राठौर और आदि राज दोनों के दोनों वो समय पे लट्टू हुए जा रहे थे और फिर पता नहीं यार ये लोग ना ऑफिस बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ मिलते रहते और मेरा तो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। ये क्या बोल गए श्रेया? इसके कहने का मतलब है यू शुड टेक द फर्स्ट मूव। हाँ मतलब तुझे कुछ जलवे दिखाने पड़ेंगे, अधिराज को किसी तरह से रिझाना पड़ेगा। आई डोंट नो कुछ आइटम नंबर कर। क्या सब सिखा रहे हो तुम इसको घर में आइटम नंबर? छे टीटी प्लीज यार तेरा हमेशा का यार, मैं उसको अपने पति के सामने आइटम नंबर करने को बोल रही हूँ, कहीं बैंकॉक में जाके। प्लीज तू चुप रहे यार, देख और कोई सोल्यूशन नहीं है, श्रेय यू हैव टू डू दिस। किसी तरह से अधिराज के सामने जलवे बिखेर। सुन बोल क्वीन, अब टाइम आ गया है डांस फ्लोर से बेड पे आग लगाने का। बोल लगा लेगी? आई थिंक क्वींस हमें अपना नेक्स्ट मिशन मिल गया। मिशन हम तो ना मिशन कहाँ पर सोच रहा, मिशन रिप्रोडक्शन। नहीं तो बायोलॉजी की क्लास ही खोल लेना। कुछ इनोवेटिव सोचो ना यार, समथिंग लाइक यस मिशन सिडक्शन। यस राइट, इट्स अ गुड वन। द क्वींस चलो गेट रेडी फॉर आवर नेक्स्ट मिशन सिडक्शन। तुमने कल का इंटरव्यू नहीं देखा था? वो रायना आपको को विलेन साबित करने पे तुला हुआ था, बार बार वो उसकी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में घुसेड़ रहा था। आई मीन हाउ इनसेंसिटिव। यू नो वो इंग्लिश में कहते हैं ना पुट वर्ड्स इनटू योर माउथ, एग्जैक्टली वही कर रहा था रायना। जानबूझकर वो कोशिश कर रहा था कि अक्कू किसी तरह टीवी पर वो डिवोर्स वाली बात बोले। स्टिल माया डिवोर्स दे दूंगी? अरे डिवोर्स देना कोई बच्चों का खेल है क्या? इस तरीके की बातें कोई तुम्हारे मुंह से जबरदस्ती नहीं निकलवा सकता, इतनी समझदार तो तुम भी हो। अभी एक्चुअली वो और वैसे भी अक्कू शुरुआत से ही करियर ओरिएंटेड है और मेरा मानना तो ये है कि एक मैरिड करियर ओरिएंटेड वुमेन को पहली प्रायोरिटी अपनी फैमिली को देनी चाहिए, जैसे कि तुम। हेलो। हाँ दिशु बोल। अनिकेत बाबा ना मिल रहे क्या? तो तान्या ने आपको जो परसों 1 लाख रुपए दिए थे अब वो वापस कर दो। ओ बहन जी कौन से पैसे?